प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे आपकी क्लास 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका का हिंदी का कार्य पत्रक 6। आज हम सीखने जा रहे हैं विलोम शब्द। तो आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ बच्चों हमें शब्द दे रखा है, इसका जो विलोम शब्द होगा वो सामने छिपा हुआ है, वहां ढूंढने हैं आपको। जैसे मित्र का जो विलोम शब्द होता है वो शत्रु होता है, विलोम शब्द क्या होता है बिल्कुल उल्टा लिखना, विपरीत। ठीक है, तो अब चुस्त चुस्त का बच्चों हो जाएगा आलसी, जड़ का हो जाएगा बच्चों चेतन, और कठोर का मुलायम हो जाएगा बच्चों विलोम शब्द, उजाला का अंधेरा हो जाएगा। अब बच्चों सेकंड प्रश्न है, दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। बच्चों इस बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं और नीचे भी शब्द दे रखे हैं, इनके जो आंसर है इनका विलोम शब्द है, ऊपर छिपा हुआ है, हमें ढूंढना है। ठीक है, स्वर्ग का क्या हो जाएगा बच्चों, स्वर्ग का हो जाएगा नरक, तो यहाँ एक नंबर हो जाएगा नरक में। दूसरा है मोटा, तो मोटा का आपको वैसे भी पता है क्या होता है, पतला होता है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, और ये रहा पतला। नया का बच्चों हो जाता है पुराना, खुला का बच्चों हो जाएगा बंद, सौभाग्य का दुर्भाग्य, आना का हो जाएगा बच्चों जाना, उदय का अस्त, अस्त का मतलब होता है छिपना होता है, सजीव का हो जाएगा निर्जीव। ऊपर बच्चों बॉक्स में भी है और वैसे भी आपको आते होंगे विलोम शब्द। सज्जन का बच्चों दुर्जन हो जाएगा, सज्जन होता है अच्छा आदमी, दुर्जन होता है जो बुरा आदमी होता है, दुर्जन। दोष का बच्चों हो जाएगा गुण, नरम नरम का बच्चों हो जाएगा सख्त, कठोर भी होता है सख्त भी है, यहाँ में सख्त दे रखा है। और बेचना का बच्चों आ जाएगा खरीदना। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरे वाक्य पूरा करो। तो बच्चों यहाँ पर जो रेखांकित मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है उसका विलोम शब्द लिखना है। तो रात के बाद सुबह होना तय है, रात के बाद सुबह तो होगी ही होगी। और दूसरा है, खेल में किसी की हार होती है, तो किसी की हार का जो विलोम शब्द होगा वो जीत होगा, तो किसी की जीत। खुशी आज अस्वस्थ है, तो कल अस्वस्थ का मतलब विलोम शब्द हो गया, स्वस्थ भी होगी। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे, तो 4 छात्र अनुपस्थित, उपस्थित का जो विलोम शब्द होता है बच्चों वो अनुपस्थित होता है। तो आज वर्कशीट में बच्चों हमने विलोम शब्द सीखे हैं, करके टीचर जी को दिखाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें जल्दी। आपके इंग्लिश और मैथ के भी बच्चों वर्कबुक की वीडियोस रेडी हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सभी वर्कशीट्स के आंसर बच्चों आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।